दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसी पक्षी के बारे में जो पूरी दुनिया में अपने अनोखे शेप की वजह से पहचाना जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हैमरकॉप के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक धोत्रे, आप सभी का स्वागत है डी एनिमल एडवेंचर में, जहां पर हम हर हफ्ते दुनिया के अलग अलग प्राणियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हैमरकॉप जिसकी पूरी दुनिया में दो प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है। पहली प्रजाति सब सहारा अफ्रीका के यहाँ पर पाई जाती है और दूसरी प्रजाति साउथ वेस्टर्न के यहाँ पाई जाती है। और हैमरकॉप को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि हैमरहेड, हैमरस्टॉक, टफेट, उम्बर, उम्ब्रेते, उम्बरबर्ड। और उनकी ब्लैक चोंच, छोटा गर्दन, छोटे पैर और बड़े विंग्स और छोटी टेल की वजह से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे हैमरकॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हैमर के शेप की वजह से। और हैमरकॉप ज्यादातर पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट के अनुसार हैमरकॉप एक डियोनर बर्ड है, मतलब वो पक्षी जो दिन में शिकार पर जाता है और रात को सोता है। हैमरकॉक एक मांसाहारी प्राणी है जो ज्यादातर फिश, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, श्रिम्स, रोडेंट्स, टैडपोल्स और फ्रॉग्स का शिकार करती है। जंगलों में हैमरकॉक का शिकार इंसानों के अलावा स्नेक्स और मॉनिटर लिजर्ड करते हैं। वैसे हैमरकॉक मैटिंग पूरे साल भर कर सकती है, जहाँ पर फीमेल हैमरकॉक जो एक समय पे तकरीबन 3 से 7 अंडे देती है और ठीक 30 दिन के बाद उन अंडों में से बेबी चिक्स बाहर आते हैं। और मेल एंड फीमेल हैमरकॉक दोनों ही मिलके बहुत बड़ा नेस्ट बनाते हैं ताकि वो रह सके। और उनकी नेस्ट की लंबाई तकरीबन 8 फीट की होती है, लेकिन इस बड़े नेस्ट को बनाने के लिए तकरीबन 3 से 6 हफ्ता लगता है। और उनके नेस्ट को बनाने के लिए इतना समय क्यों लगता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन वे अपने नेस्ट को दूसरे बर्ड्स के साथ भी शेयर करते हैं, जैसे कि आउल्स, गीस, डक्स और पिजन्स। साइंटिस्ट के अनुसार हैमरकॉक की लंबाई तकरीबन 22 इंच की होती है और वेट तकरीबन 500 ग्राम का होता है। और उनकी विंग्स की लंबाई यानी कि उनकी पंख की लंबाई तकरीबन 90 सेंटीमीटर की होती है। और हैमरकॉक जंगलों में तकरीबन 20 साल जी सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको वाकई पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।